कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन कांग्रेस की ओर से संकल्प दिन के रूप में मनाया गया। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मोदी सरकार के विरोध में सांसद बारूद धानोरकर ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, देखते इस खबर में। चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रामू तिवारी तथा ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रकाश देवदले के नेतृत्व में सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन शनिवार को संकल्प दिन के रूप में मनाया गया और इस दिन के निमित्त दोपहर 1 बजे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसान विरोधी कायदे की होली भी जलाई गई। इस मौके पर सांसद बारूद धानोरकर ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। यह सरकार किसान विरोधी है और साथ ही पेट्रोल डीजल तथा गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हर क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है और देश की प्रगति के लिए मोदी सरकार को हटाने का संकल्प लिया गया है। तो सुनिए सांसद बारूद धानोरकर ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। आदरणीय राहुल जी गांधी यांचा वाढदिवस, हा वाढदिवस कुठलाही केक कापून नाही तर संकल्प दिवस म्हणून साजरा केला जातो। संकल्प हा कशाचा आहे की या देशामध्ये वाढलेलं पेट्रोल, या देशामध्ये वाढलेलं डिझेल, गॅसच्या किमती, खताचे दर, दळणवळणाच्या साधनामध्ये वाढ झालेली आपण बघितली, शेतकरी विरोधी असलेले काळे कायदे, अन्न साखरीचं प्रायव्हेटायझेशन, अशा विविध ठिकाणी हे सरकार अपयशी ठरलेलं आहे। हे सरकार झोपेचं ढोंग घेऊन आहे। या सरकारला जागृत करायसाठी आज आम्ही संकल्प केलेला आहे की जोपर्यंत मोदी सरकार हे सत्तेत आहे तोपर्यंत सातत्याने लोकांना जागृत करून आम्ही राहुल गांधींच्या नेतृत्वामध्ये या देशामध्ये पंतप्रधान बसवणार आणि सुराज्य निर्माण केल्याशिवाय राहणार नाही। इस मौके पर रितेश तिवारी, प्रकाश देवतले, प्रवीण पडवेकर ने भी अपना मनोगत व्यक्त किया। तत्पश्चात सांसद बारूद धानोरकर के हाथों किसान विरोधी कायदे की प्रतीकात्मक गोली जलाई गई। पालक मंत्री विजय बुडेटीवार, विधायक सुभाष धोटे, विधायक प्रतिभा धानोरकर के मार्गदर्शन में हुए इस आंदोलन में कामगार नेता के सिंह, कृषि उत्पन्न बाजार समिति सभापति दिनेश चौकारे, अनुसूचित जाति प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी खोबराकडे, महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, पूर्व नगर सेवक प्रवीण पडवेकर, सरचिटनीस ओबीसी विभाग के उमाकांत धांडे, अनुसूचित जाति आघाड़ी के जिलाध्यक्ष अनुताई दहगावकर, अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष सुहेल शेख, नगर सेवक अमजद अली, अनुसूचित जाति शहर अध्यक्ष शालिनी भगत, जिलाध्यक्ष युवक कांग्रेस हरीश कुत्तावा, युवक कांग्रेस सचिव रुचित दवे, युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष राजेश अडूर, प्रभारी युवक कांग्रेस इरशाद शेख, ओबीसी शहर अध्यक्ष नरेंद्र बोबड़े, चंद्रपुर शहर महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष स्वाति त्रिवेदी, शहर उपाध्यक्ष सुनंदा दुबे, सर सचिव वाणी डारला के साथ सदस्य संध्या पिंपड़कर, ब्लॉक अध्यक्ष शीतल काटकर, लता बारापात्रे, इंटक युथ जिलाध्यक्ष प्रशांत भारती, शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग सुलेमान अली, शहर अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग कुणाल रामटेके, मोहन डोगरे, चंद्रमा यादव, नौशाद शेख, केतन दुर्सेलवार, मोनू रामटेके के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।